कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट पे किस तरीके से खाद तेल बाजारों में कामकाज हो रहा है, खाद तेल बाजारों की स्थिति आपको बताएंगे। साथ ही साथ कल यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, क्या यूएसडीए की रिपोर्ट से बाजारों में कामकाज देखा गया है, तो सारी जानकारी। जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है खाद तेल बाजारों में। तो खाद तेल बाजारों में पीछे जैसे कि आप देख रहे थे, लगातार बाजारों में गिरावट आ रही थी, उसके बाद बाजारों में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई। कल भी आपने देखा बाजारों में 44 सेंट की सीबॉट पे बढ़ोतरी देखी गई, जबकि एक दिन पहले 85 सेंट की बाजारों में बढ़त देखी गई। तो लगातार जो पीछे बाजारों में गिरावट आई थी, 400 पॉइंट तक की जो गिरावट देखी गई थी, उसके बाद रिकवरी बाजारों में एक अच्छी देखी गई है। और ऊपर में जो 50 सेंट तक बाजार चला गया था, एक बार 45 सेंट तक आया, फिर उसके बाद बाजारों में 46.5 से 47 सेंट के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल यूएसडीए की महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट पे क्या आया है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण सोमवार से शुक्रवार। आप हमारे साथ लाइव जुड़ के जानना चाहते हैं किस तरीके से मार्केट का कामकाज हो रहा है, इसके लिए आप मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप डायरेक्ट हमारे साथ यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन से, और या स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा डायरेक्ट, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यूएसडीए की अगर बात करेंगे तो यूएसडीए की रिपोर्ट पे कल की जो रिपोर्ट आई है, यूएसडीए ने अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना में 2023 से 24 में सोयाबीन के अंतिम स्टॉक पे कटौती करी है। तो यह खबर सोयाबीन सोया ऑयल के लिए पॉजिटिव देखी जा रही है। सोयाबीन का एंडिंग स्टॉक व्यापार अनुमान से नीचे आया है। ब्राजील में 2024 से 25 में सोयाबीन के उत्पादन में कोई विशेष बदलाव नहीं देखा गया है। अगर यूएसडीए की अर्जेंटीना की बात करी जाए तो यूएसडीए ने अर्जेंटीना में 2023-24 सोयाबीन के उत्पादन अनुमान में कटौती करी है। यूएसडीए ने ब्राजील अर्जेंटीना में सोया उत्पादन को 50 से घटाकर 49.5 मिलियन टन कर दिया है। अर्जेंटीना में 2023 से 24 सोयाबीन का एंडिंग स्टॉक 26.15 से घटके 24.85 मिलियन टन हो गया है। तो पूरा अगर यूएसडीए की रिपोर्ट का आउटलुक निकाला जाए तो बाजारों में आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट से को एक पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है। आने वाले समय में इसके हिसाब से बाजारों में आपको कुछ पॉजिटिविटी बाजारों में आपको और भी यूएसडीए और लोकल बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल बिक्री का प्रॉपर सपोर्ट ना होने के कारण बाजारों में बहुत बड़ी तेजी नहीं आ पा रही, और बजट का सेशन भी 23 तारीख को आने वाला है, तो उससे भी जो घरेलू इंडस्ट्री है उनको सरकार को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार जो आपको मालूम है कि जो फॉरेन से तेल आ रहा है, जो विदेशी बाजारों से तेल आ रहा है, इसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्री लगातार सर्वाइव कर रही है। भारतीय इंडस्ट्री में आप देखेंगे एमएसपी के नीचे भाव माल बिक रहा है, किसान भाइयों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सोयाबीन हो, सरसों में तो फिर भी बाजारों में तेजी आ चुकी है, लेकिन सोयाबीन का बाजार अगर आप लास्ट 2 साल से देखेंगे तो बाजारों में एमएसपी के नीचे ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। अब तो किसान लोग ये भी कहने लगे कि अब सोयाबीन की बुआई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब उसके भाव ही नहीं प्रॉपर मिल पाते हैं तो उसके प्रॉपर वे में उसकी बुआई करके क्या फायदा रहेगा। तो इस चीज को भी सरकार को बजट पे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से ड्यूटी बढ़ाती है, या सरकार 7 एग्री कमोडिटी जो बंद है, एग्री कमोडिटी लास्ट 3 साल से जिसमें एनसीडेक्स के वायदे में जो बंद चल रही है, क्या उसको खोलती है। तो हमारी फिलहाल न्यूज़ मार्केट 24 की ये फिलहाल अपील है कि या तो ड्यूटी बढ़ाएं या 7 एग्री कमोडिटी को इसको आप ओपन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसके हिसाब से जो आने वाले समय में जो खाद तेल इंडस्ट्री जो लगातार आप देख रहे हैं जो जूझ रही है, जो बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में उस तरीके से पिकअप नहीं बन पा रहा है, जब तो वो इंडस्ट्री में कुछ सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए आपको सनफ्लावर ऑयल का लेवल अपने लेवल के हिसाब से बेटर है, और सनफ्लावर ऑयल का भाव बहुत ज़्यादा सस्ता चल रहा है अन्य तेलों की अपेक्षा। तो सनफ्लावर ऑयल में आप अगर लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आप खरीदारी करना चाहते हैं तो सनफ्लावर ऑयल में आप खरीदारी करके चलिए। मूंगफली का तेल ऑलरेडी आपको बताया हुआ है
मूंगफली के तेल में ऑलरेडी बाजारों में निचले स्तर से एक अच्छी तेजी आई है, 1500 रुपए का भाव चल रहा है। यहाँ से आपको बाजारों में कुछ और भी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों के भाव क्या रहे। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 100 रुपए पर ही बना हुआ है, पामोलिन का बाजार 92 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 91 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 121 रुपए, सोयाबीन का बाजार 4670 से 4680 रुपए पे प्लांटों के भाव बोले जा रहे हैं। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति देखेंगे, कांडला पोर्ट पे निचले स्तर से उछाल आया है। क्रूड पाम ऑयल का बाजार 863 रुपए है, फॉरवर्ड में 868 रुपए, पामोलिन का बाजार 900 रुपए, सोया रिफाइंड 945, सोया डिगम 882 रुपए, फॉरवर्ड में 865, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 960 रुपए देखा जा रहा है। केएलसी की जैसे कि कल भी देखा जाए, कल केएलसी में जो गिरावट के साथ ही बाजारों में केएलसी का बाजार बंद हुआ है, -16 रिंगिट की गिरावट देखी गई है। फिलहाल सीबोर्ड का बाजार 44 सेंट की बढ़त देखी गई की थी। केएलसी आज यूएस हॉलीडे होने के कारण केएलसी का बाजार हमेशा शनिवार इतवार के दिन बंद रहता है। अब सोमवार के दिन आपको नया मिलेगा। तो अब जान लेते हैं सोया ऑयल के सीपीओ के सपोर्ट रेस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 102 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91, रेस्टेंस का लेवल 93, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 93 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 59 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 6100 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 4750 रुपए की रेंज में ही लगातार बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमको चाहे YouTube पे देखें चाहे Facebook पे देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की फ्री जानकारी आपको मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त होती रहे। और आपको बता दिया है मॉर्निंग में डायरेक्ट आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट शो में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं दाल बाजारों में क्या स्थिति है। तो दाल बाजारों में आप अरहर की दाल वगैरह में और चने में आप बाजारों में गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। चने के भाव में फिलहाल बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। सरकार जैसे कि ओपन मार्केट पे, आपको मालूम है कि ओपन मार्केट पे सेलिंग करने वाली है गेहूं और चावल की, तो गेहूं और चावल में आप आने वाले समय में बाजारों में आपको मुनाफा वसूली जरूर देखने की मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। गेहूं का बाजार आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी बाजारों में गेहूं का बाजार 2660 रुपए के आसपास ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। एमपी लाइन, राजस्थान लाइन का चने में 7075 रुपए, चने का बाजार 6900 जाने के बाद हल्की सी रिकवरी देखी गई। एक बार बाजार 7300 रुपए तक भी जाता हुआ आपको दिखाई देके चल सकता है। सुगर बाजारों में लगातार बाजारों में पैनिक की स्थिति है। सुगर बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है। बाजारों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन बाजारों में जो घटे हुए भाव है वहां पर आप कुछ वहां पर पोजिशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ डिमांड निकलने की संभावना आपको दिखाई दे रही है। तो सारी जानकारी आपको प्रॉपर वे में हमने आपको यहाँ पर दी। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी आपको जाननी हो तो एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है। जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, ट्रायल के लिए वहां संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को समझने के लिए मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज है वीकेंड, हफ्ते का आखिरी दिन है और आज बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज सरसों सोयाबीन के मार्केट में कैसा कारोबार चल रहा है और यूएसडीए की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो मार्केट में क्या रिपोर्ट आई है, कैसा कारोबार और ट्रेंड मार्केट में उसकी वजह से देखा जाएगा। आज के कीमतें चल रहे हैं आपको विस्तार से बताएंगे इस बारे में, इसका वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए की रिपोर्ट में अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादन अनुमान घटाया है। अर्जेंटीना में 50 मिलियन टन उत्पादन से घटाकर 49.5 मिलियन टन बताया गया है। अर्जेंटीना में अंतिम स्टॉक 26.15 मिलियन टन से घटकर 24.85 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ब्राजील सोयाबीन उत्पादन अनुमान यथावत है। कुल वैश्विक उत्पादन अनुमान में गिरावट दर्ज करी गई है। रिपोर्ट जो है वो सोयाबीन और सोया तेल के लिए पॉजिटिव नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि क्या बाजारों में सोयाबीन में आज के दिन कारोबार देखा जा रहा है। तो अमेरिकी सोयाबीन फसल पर मौसम फिर से प्रतिकूल होने की धारणा से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में तेजी जारी करी गई। सोया तेल अभी भी सरसों तेल से 20-22 रुपए प्रति किलो तक सस्ता है, जिससे मांग घटने का अनुमान नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी भी यहां से बाजारों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। यूएसडीए की रिपोर्ट से आने वाले टाइम में बाजारों में सुधार आ सकता है। अब बात करते हैं आज के रेट के बारे में। तो बाजारों में जो महाराष्ट्र में रेट देखा जा रहा है, घरेलू मार्केट में जो रेट चल रहा है उसमें महाराष्ट्र में लातूर में अधीन प्लांट का रेट 4670 है, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4670 है, धनराज प्लांट का रेट 4730 चल रहा है, विजय प्लांट में कीमतें 4680 है, दुलिया में डिसाम प्लांट का रेट 4600 देखा जा रहा है, नाडिन में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में कीमतें 4640 है,
ऑयल में महाराष्ट्र में रेट डिसान प्लांट का 975 है, धनराज प्लांट का रेट 965 है, ग्रुप प्लांट का रेट 975 है, सतगुरु प्लांट में आप 955 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्लांटों में प्रकाश प्लांट का रेट 4530 है, प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4550 है, धनुका प्लांट में कीमतें 4575 देखी जा रही है, सावरिया प्लांट का रेट आप 4580 रुपए देखकर चल सकते हैं मध्य प्रदेश में। सोया ऑयल में इसके अलावा मध्य प्रदेश में महेश प्लांट का रेट 980 है, प्रकाश प्लांट का रेट 958 है, अभी प्लांट का रेट 958 है, और धनुका प्लांट का आप 957 रुपए तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। सोयाबीन के मार्केट में आने वाले टाइम में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा बाजारों में गिरावट नहीं है। अब इसके अलावा कैसा कारोबार देखा जा रहा है आज लोकल मिलों में, आज क्या कीमतें चल रही हैं, आपको खबरों में इसके आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप बाजारों में तेजी मंदी के बारे में जानना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कैसा कारोबार देखा जाएगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोकल मिलों में आज किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, तो लोकल जो बाजार है यहाँ पर आपको मार्केट में सुधार देखने को मिल सकता है। मंडे से बाजारों में सोमवार के दिन से तेजी आने का अनुमान नजर आ रहा है। आज जो रेट चल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वनस्पति में 15 किलोग्राम में रेट 1650 है, पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम की 1530 चल रही है, एक लीटर में रेट 92 रुपए है, सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1630 से एक लीटर का रेट 99 रुपए देखा जा रहा है सोया ऑयल में, फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1690 रुपए है, फॉर्चून में एक लीटर में रेट 115 है, बेस्ट चॉइस में अच्छी कीमतें सोया रिफाइंड में एक लीटर में 93 रुपए है, पामोलिन में एक लीटर का रेट 87 है, बिनोला ऑयल में 10 किलोग्राम में कीमतें 970 चल रही हैं, सनफ्लावर में 10 किलोग्राम का रेट 980 है, मूंगफली में 10 किलोग्राम में कीमतें 1500 रुपए देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा 92 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है, सोया ऑयल में कीमतें 100 रुपए है, सोयाडियो का रेट 98 रुपए है, मस्टर्ड में अच्छी कीमतें 121 है, एक्सपायर का रेट 119 है, पामोलिन में आप 92.50 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से रेट देख कर चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा बाजारों में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, आने वाले टाइम में तेज़ी आने का अनुमान नजर आ रहा है, धीरे धीरे से सुधार जरूर आ सकता है। अब बात करी जाए सरसों के बाजार के बारे में, तो सरसों के मार्केट में आज कल से अगर अभी तक देखते हैं तो 25 रुपए तक की जयपुर के दाम में तेजी दर्ज करी गई है। कल बाजारों में धीरे धीरे से सरसों में तेजी देखी जा रही है, फंडामेंटल सरसों के काफी अच्छे खासे मजबूत हैं, थोड़ी और तेजी संभव है लेकिन धीमी गति से तेजी आएगी, हर उछाल पर मार्केट में आप स्टॉक कर सकते हैं। और सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी में अगर देखा जाए 1178 रुपए प्रति 10 किलो के हिसाब से रेट बढ़ा है, लेकिन 1200 पहुंचने में अभी समय लग सकता है। रेट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, तो मस्टर्ड सीड में जो रेट देखा जा रहा है जयपुर का वो 6125 है, दिल्ली का रेट 5975 चल रहा है, भरतपुर में आज की कीमतें 5770 है, सूर्यपुर का रेट 6000 चल रहा है, ग्वालियर में आप यहाँ से रेट 5600 रुपए देखकर चल सकते हैं, मुरैना में आज की कीमतें मस्टर्ड सीड में 5500 है, मस्टर्ड ऑयल में एक्सपायर में आज का जो रेट चल रहा है वो 1164 है, दिल्ली में कीमतें 1150 है, भरतपुर का रेट 1150 चल रहा है, कच्ची घानी में आज जयपुर में कीमतें 1174 है, कोटा का रेट 1200 है, भरतपुर का रेट 1180 देखा जा रहा है, और इसके अलावा प्लांटों में 6475 रुपए तक का एक अच्छा रेट है सलोनी शमशाबाद का, जहाँ 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई, सलोनी डिग्रेड में आप 6500 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं, सलोनी अलवर में 6425 रुपए तक का रेट है, और सलोनी कोटा में 6425 रुपए तक का बाजारों में आपको यहां से रेट देखने को मिल सकता है। मार्केट में बहुत ज्यादा एक तरफा लंबी चौड़ी अभी तेजी नहीं देखी जाएगी, धीरे धीरे से बाजार तेज हो सकता है, सोमवार से मार्केट में आपको सुधार जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन धीमी गति सुधार देखा जा सकता है, जरूरत के हिसाब से आप व्यापार कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए हल्की तेजी संभव जरूर है। आवक के बारे में अगर बात करी जाए सरसों सीड में, तो वही 3,75,000 बोरी के आसपास की आवक देखी जा रही है, कल से लेकर अभी तक बाजारों में थोड़ा सा सुधार दर्ज किया गया है, और देखा जाए तो बाजारों में आने वाले टाइम में तेल समर्थन की वजह से सरसों तेज हो सकती है। अगस्त का महीने में त्यौहार है, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार काफी नजदीक है, तो डिमांड अच्छी निकलने की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल के लिए सरसों सीड में नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।